लुधियाना के सेलिब्रेशन लेडीज क्लब की ओर से पवेलियन मॉल में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान थीम अनुसार सजी क्लब की सदस्याएं बेहद खूबसूरत लग रही थी। इवेंट की शुरुआत रूबी चोपड़ा द्वारा तंबोला गेम कर खिलाई गई। इस दौरान आए हुए मेंबर्स को कई गेम्स खिलाई गई। सभी क्लब मेंबर्स ने जमकर डांस भी किया। इस दौरान उनके द्वारा रैंप वॉक भी किया गया। विजेताओं को कई तरह के उपहार भी दिए गए। वहीं क्लब की प्रेसिडेंट रूबी चोपड़ा द्वारा बातचीत करते हुए बताया गया कि हमारे क्लब की ओर से हर महीने कोई ना कोई इवेंट जरूर करवाया जाता है। इस बार वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट किया गया। और क्या कहना था रूबी चोपड़ा का। जनसब एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से शैली राजपूत की रिपोर्ट। मैं रूबी चोपड़ा सेलिब्रेशन क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। आज हमने सेलिब्रेशन क्लब की तरफ से वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया है। लेडीज़ को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकाल के थोड़ा सा उनको फ़न एंजॉय करवाने का हमारा मकसद था, तो आज वो भरपूर इसका लुत्फ़ उठा रही हैं और पूरा फ़न कर रही हैं। आज हमने पूरे कपल्स के साथ कपल्स बना के लेडीज़ को ही कपल्स बना के उनकी गेम्स करवाई हैं सारी वैलेंटाइंस से रिलेटेड, और सभी बहुत खुश है। और इसमें हमने काफ़ी सारी गेम्स और फ़न करवाया, डांस करवाया, रैम वॉक करवाई, फैशन शो करवाया, तो इससे लेडीज़ को थोड़ा सा आगे आने का मौका मिल रहा है। आगे से भी ऐसे इवेंट कराएंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हम हर महीने एक ना एक फंक्शन करवाते हैं, तो आज वैलेंटाइंस डे था तो हमने वैलेंटाइंस का रखा है। नेक्स्ट मंथ जो भी उससे रिलेटेड होगा तो हम उसके रिलेटेड ही करेंगे फंक्शन। मैसेज यही देंगे कि लाइफ बहुत छोटी है, इसको एंजॉय करो। तो घर में बैठ के सिर्फ अपने चार दीवारी में मतलब अपना जीवन ना व्यतीत करो, थोड़ा सा बाहर आओ, फन करो और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के साथ अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। हाँ जी, मेरा नाम नीति चुके और हम सेलिब्रेशन क्लब की तरफ से आए हैं वैलेंटाइन का ये डे मनाने, और हमें बहुत मज़ा आया। हमने अभी रैप वॉक करी है, डांस किया, तंबोला खेली है, बहुत सारे गेम्स भी जीते, मेरी फ्रेंड भी आई है साथ में, हमने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया और वैलेंटाइन मनाया अपनी फ्रेंड्स के साथ। हाँ हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। अपना बाहर लेडीज़ को बाहर निकलने का मौका मिलता है, मी टाइम इंजॉय करने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। लोग किसी गलत सुनते हैं, नहीं ये लोगों की सोच है, सोच तो हम किसी की बदल नहीं सकते, बट ये है कि हाँ हमें अपना सर्कल बढ़ाना चाहिए, जिसमें आपको खुशी मिलती है आपको वो करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए लाइफ को, लाइफ छोटी है। क्या मैसेज देंगे? हाँ जी, ये कि लेडीज़ को स्पेशल बाहर निकलना चाहिए और अपना इंजॉय करना चाहिए, अपना फ्रेंड सर्कल बनाना चाहिए, सोशल होना चाहिए, इससे नए नए कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, सोशल गैदरिंग मिलती है, अच्छी होती है।